ये देखो, हम दो फंदे का डिजाइन लेके आए हैं। बस सिर्फ दो फंदे से ही बनता है ये। बीच में आपकी इच्छा है दो फंदे उल्टे करें या चार करें, डिब्बी को दूर बनाएं या अलग, जितना चौड़ाई देना चाहें उतनी दे सकते हैं। अब इसको कैसे बनाना है ये देखो। ये चार फंदे हमने उल्टे लिए हैं, इसमें आप दो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम। और इसको बनाने के लिए मैं इधर ही धागा रख के जाली डालनी है, इस फंदे को पलट के ऐसे दो का एक करना है। ये हर दूसरी सिलाई पे बनेगा ऐसी, ये देखिए। और फिर दोबारा आगे धागा कीजिए, फिर चार फंदे उल्टे बनाइए। फिर आगे धागा रखे रखे इस फंदे को पलट के और इस दो का एक कर दो, पीछे की साइड बनाओ ऐसे, ये देखो। ये जो एक फंदा कम हो रहा है वो हम फंदा हमारा साथ के साथ बढ़ भी जाएगा, ये देखिए। ये चार फंदे उल्टे हो गए। अब आगे धागा रखे रखे इस फंदे को इसके साथ उल्टा पलट गए और ऐसे दो का एक बनाई, फिर चार फंदे उल्टे बनाइए। इसकी दूसरी बात, इसमें उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे, वो आपकी इच्छा है। तो उल्टे फंदे पर सीधा रखना चाहें तो सीधा रख सकते हैं, लेकिन हमने उल्टी सिलाई इस पर उल्टी ही डाली है। पहले जाली इस साइड बनाई थी, अब जाली पीछे की साइड बनेगी। ये देखिए, एक बार आगे से बनेगी और एक बार पीछे से बनेगी। ये देखिए, पहले हमने यहाँ बनाई थी और अब पीछे धागा करके पहले हम इसको दो का एक करेंगे और फिर पीछे धागा ही रखे हुए इसको आगे बनाएंगे ऐसे। देखिए, चार फंदे हमने उल्टे बना दिए, फिर पीछे धागा करेंगे, फिर ये जाली अब पहले यहाँ बनाई थी, अब पिछली साइड बनेगी, तो इसका दो का पहले एक करेंगे, फिर पीछे के धागे से ही हम आगे ऐसे बनाएंगे। फिर पीछे धागा करेंगे, पहले इसका दो का एक करेंगे और फिर जाली बनाएंगे ऐसे। बहुत ही आसान है, एक बार आगे से जाली बनानी है, एक बार पीछे। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी।
ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखो पहले हम ये चार फंदे उल्टे बनाएंगे। अब इसमें आगे धागा करके हम इन दो का एक करेंगे ऐसे, फिर आगे धागा कर लेंगे। ये चार फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। आगे धागा रखे हुए ही पहले हमने दो का एक करके फिर धागा पीछे से ही आगे बनाया था। अब हम आगे धागा रख के पीछे की साइड बनाएंगे, इन दो का एक करेंगे। एक ये जाली वाला फंदा होता है, एक ये सीधा फंदा होता है, इन दो का एक कर देंगे। बाय, ये देखो एक बार जाली इधर बनेगी, एक बार जाली इधर, एक बार आगे आ जाएगी, एक बार पीछे साइड चली जाएगी। बहुत ही सिंपल है और आप किसी भी चीज में डाल सकते हैं इसको। छोटा ये देखिए, पहले हम ऐसे करेंगे फिर आगे धागा करके फिर इसको बनाएंगे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनेगी। सिलाई पूरी होगी। अब देखो वही जैसे पहले बनाया था हमने वैसे ही अब बना। पहले हमने चार फंदे उल्टे लेने हैं, और धागा पीछे करके इन जाली वाले फंदे का और एक फंदा ये जो है हम इसी से डिजाइन बनता है, इस फंदे को ऐसे इधर से करके ऐसे और दो का एक कर देंगे ऐसे। फिर पीछे धागा रखे हुए हम आगे की तरफ बनाएंगे ऐसे। फिर पीछे धागा करेंगे फिर ऐसे ही, फिर ये दो दो फंदे का हम एक, फिर पीछे धागा रखे हुए इसको आगे। इसको पहले पीछे करो फिर इस दो का एक करो, पीछे धागा रखे हुए इसको ऊपर से ऐसे बनाओ।